नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, निरंतर बात करते चले जा रहे हैं सूर्य महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 13 फरवरी सन 2020 को मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च सन 2020 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके थर्ड हाउस में आ रहा है। दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में ऐसा बोला गया है कि सूर्य महाराज जहां पर बैठते हैं वहां वो जलाते हैं, यानी उस घर के फलों में कमी लाते हैं, उस घर के फलों को जलाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत गर्म प्लैनेट है। हालांकि दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ठीक है, थोड़ी बहुत कमी जरूर ला सकते हैं, परंतु उस घर को एनर्जाइज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सूर्य एनर्जी का भी प्रतीक है। बिना सूर्य के हमें तो कभी एनर्जी मिल ही नहीं सकती और इस पृथ्वी का वजूद भी नहीं हो सकता। तो सूर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह रोल अदा करता है। तो दोस्तों, सूर्य का गोचर जो है ओवरऑल में धनु राशि के जातकों के लिए उनके थर्ड हाउस में आ रहा है। तो थर्ड हाउस क्या है? हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पड़ोसियों का भी होता है और हमारी कम्युनिकेशन का भी होता है, और इसके अलावा हमारे करेज हौसले का भी होता है। और दोस्तों, सूर्य जो है सरकार का भी प्रतीक है, सूर्य गवर्नमेंट का प्रतीक होता है। इसके अलावा सूर्य राजा होता है, एनर्जेटिक प्लैनेट तो है, वो राजा भी होता है। तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनका खुद का करेज हौसला बहुत एनर्जेटिक रहेगा। इसके अलावा उनके छोटे भाई बहन जो हैं वो भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। पर क्या है कि क्योंकि जो है थोड़ा सा एनर्जी वाले, तो हल्के से ईगोइस्टिक जरूर हो सकते हैं। तो कृपया मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि धनु राशि के जातक अपने छोटे भाई बहनों से किसी भी प्रकार के वाद, अभी हौसला, करेज काफी एनर्जेटिक, ऊपर से आपके छोटे भाई बहन थोड़े से ईगोइस्टिक रह सकते हैं, तो आपस में कहीं ना कहीं अगर शांत हो जाएगा तो वो ऐसे वाद विवाद उत्पन्न। दोस्तों, कम्युनिकेशन हाउस जैसा मैंने बोला, तो कम्युनिकेशन हाउस होने के कारण आपके कम्युनिकेशन जो एनर्जी है वो भी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत जल्दी आप लोगों को इंप्रेस कर लेंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने बोला, आपके पड़ोसियों का भी होता है, तो आपके पड़ोसी भी काफी एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो ऐसे ज्यादा एनर्जेटिक हों और थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक हों तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं घमंड में झगड़ा होने की संभावना होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी धनु राशि के जातकों के लिए कि वो अपने छोटे भाई बहनों तथा अपने पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें, किसी भी प्रकार के वाद विवाद को उत्पन्न होने ना दें। दोस्तों, हालांकि जैसा मैंने हमेशा ये बोला कि ये जो गोचर होता है छोटा सा, ये केवल हमें डिलीवर करने आते हैं। असली में जो हमारे साथ हो रहा होता है वो सबसे पहले हमारी महादशा अंतरदशा से ही हो रहा होता है, यानी जो हमारी जन्म कुंडली होती है, जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से तैयार होती है, और उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा अंतरदशा ही डिनोट करती है कि हमारे साथ कैसा होगा। अगर वो पहले से बहुत बढ़िया चल रही है, यानी महादशा अंतरदशा बहुत पॉजिटिव नक्षत्रास में है, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, तो गोचर उसको और सपोर्ट देता है और हमारे साथ बहुत बढ़िया हो जाता है। पर यही अगर जो हमारी महादशा अंतरदशा, जो पहले से हमारी जन्म कुंडली के अनुसार जो पहले से चल रही महादशा अंतरदशा नेगेटिव नक्षत्रास में होती है, यानी उसका स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं होता, तो हमें वो गोचर का भी लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला, ज्योतिष कभी डराने के लिए नहीं बनाया गया है। एक ही चीज हमेशा से बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं। तो यानी जितने भी धनु राशि के जातक है, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं या कुछ इस प्रकार की संभावनाएं हो रही हैं और हमें ये गोचर उतना हेल्प नहीं कर रहा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो हर संडे को गेहूं या गुड़ या घड़ी का दान किसी गरीब जरूरतमंद को जितना रेगुलरली वो करते चले जाएंगे उतना उनके लिए बढ़िया होता चला जाएगा। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जितना निरंतर वो जाप करेंगे उतना उनके लिए और अच्छा होता चला जाएगा। इसके अलावा सूर्य को रेगुलरली किसी तांबे के लोटे में थोड़ी सी चीनी चावल रोली डाल करके सूर्य को यदि वो जल देंगे तो भी उनके लिए ये गोचर और भी बढ़िया होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं धनु राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, YouTube चैनल। धन्यवाद।